हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं राजपाल अपने यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो ना काफ़ी कमाल, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम बनाने वाले मिनी डीमल टूल, आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का, जो कि एक 9 वोल्ट बैटरी और एक मोटर की सहायता से बनाया है। इस टूल की मदद से हम पेपर, कार्डबोर्ड वगैरह काफ़ी ईजी तरीके से कट कर सकते हैं, आप देख सकते हो कुछ इस तरह का। सो दोस्तों, इस टूल को आप भी बना सकते हो घर पर काफ़ी आसानी से। हमने इसे किस तरह से बनाया, वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। सो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मिनी डीमल टूल बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी पुरानी 9 वोल्ट की बैटरीज की। आप देख सकते हो मेरे पास में कुछ इस तरह की खराब 9 वोल्ट की बैटरी पड़ी थी। इन बैटरी को कटर की सहायता से ऊपर का कवर खोल लेंगे कुछ इस तरह से। आप देख सकते हो ऊपर का कवर मैंने खोल लिया इस बैटरी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा पतली चद्दर का बना रहता है। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का होता है। उसके बाद में हमें जरूरत पड़ने वाली है एक मिनी मोटर की। कुछ इस तरह की मोटर होती है जो टॉय वगैरह में लगी रहती है, जो कि मार्केट में हमें मिल जाती है 20 रुपये में, आप देख सकते हो। और उसके बाद में एक लकड़ी के टुकड़े की जरूरत पड़ने वाली, कैसा भी ले लेना आप अपने हिसाब से, कोई साइज की जरूरत नहीं है। इस मोटर को यहाँ पर फिक्स करेंगे ग्लू की सहायता से। मोटर को मैंने फिक्स कर दिया इसके ऊपर, यहाँ पर टुकड़े के सामने के हिस्से में, आप देख सकते हो। उसके बाद में एक 9 वोल्ट की बैटरी की जरूरत पड़ने वाली, हमें इस बैटरी को यहाँ पे फिट करेंगे। उसके बाद में हमें एक स्विच की जरूरत पड़ेगी, 12 वोल्ट डीसी स्विच है मेरे पास में, आप देख सकते, जो कि मार्केट में हमें 5 से 10 रुपये में मिल जाता है कुछ इस तरह का। तो बैटरी और स्विच को मैंने फिक्स कर दिया इस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर। मोटर भी हमारी फिक्स हो गई, आप देख सकते हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। दोस्तों, अब कनेक्शन कर लेते हैं फटाफट से। दोस्तों, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से कनेक्शन, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप कर सकते हो कनेक्शन इसके, बहुत ही इजी तरीके से आप कर लोगे, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मोटर हमारी काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। अब इस बैटरी के जो कवर है, इसके एक सर्कल कट करना होगा इस कवर का कुछ इस तरह से। किसी भी चीज़ से हमें कुछ इस तरह से गोल सर्कल निशान लगा लेंगे, उसके बाद में कट कर लेंगे कैंची की सहायता से, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। दोस्तों, फटाफट से सर्कल कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने एक सर्कल कट कर लिया कुछ इस तरह से। तो अब है ना, इसके ऊपर कुछ इस तरह से मार्क करेंगे, इसके जो दांत बनाएंगे, जिससे कि हमारा मिनी डीमल टूल काम करेगा काफ़ी अच्छे से। तो दोस्तों, फटाफट से ये भी कट कर लेते हैं, इसका एक कटर बना देते हैं, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। दोस्तों, इस टूल को आप बना सकते हो काफ़ी इजी तरीके से। तो आप देख सकते हो हमारा कटर तैयार हो गया है कुछ इस तरह से। अब इस कटर को इस मोटर के ऊपर लगा देंगे, तो आप देख सकते हो हमारा मिनी डीमल टूल बिल्कुल रेडी हो गया है कुछ इस तरह से। मोटर भी काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। अब इसका ट्रायल लेके देखते हैं। सबसे पहले पेपर कट करेंगे, तो आप देख सकते हो दोस्तों पेपर को काफी इजी तरीके से कट कर रहा है ये, आप देख सकते हो दोस्तों। बस हाथ का ध्यान रखना, हाथ में नहीं लगी, नहीं तो हाथ भी कट हो जाएगा दोस्तों। अब मेरे पास में कुछ इस तरह का एक कार्डबोर्ड पड़ा था, थोड़ा सा मोटा है पेपर से, आप देख सकते हो। इसे कट करके देखते हैं। वाह दोस्तों, काफ़ी कमाल का टूल बन गया हमारा, आप देख सकते हो दोस्तों। इसे भी कट कर दिया इसने तो कुछ इस तरह से। अब यहां से कट करके देखते हैं एक बार। दोस्तों, ज़्यादा दबाने पे मोटर हल्की थोड़ी सी रुक रहा है, आप देख सकते हो कट हो गया है हमारा। अब इसे पूरा कट करके दिखा देता हूँ आपके सामने। दोस्तों, ये चीज़ सब रियल है, फेक कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कमेंट करते हैं, बोलते फेक है फेक है। दोस्तों, फेक कुछ भी नहीं है, मैं फेक वीडियो नहीं बनाता, बिल्कुल रियल चीज़ें हैं। आप देख सकते हो काफ़ी मज़ेदार टूल बन गया। इस तरह का टूल आप बना सकते हो दोस्तों काफ़ी ईजी तरीके से, घर पर ही बन जाएगा, आप देख सकते हो, है ना, काफ़ी कमाल का टूल। एक बैटरी और एक मोटर एक स्विच की सहायता से। अब वीडियो को लाइक जरूर कर। सो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना। सो दोस्तों, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।